हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन के अंदर हमें एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन किस तरह का है और किस तरीके से बनाएंगे, पहले तो ये जानते हैं कि क्या काम करेगा फंक्शन। तो एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, आप एक टेक्स्ट लिखेंगे और उस टेक्स्ट में Z से स्टार्ट होने वाले नामों को वो काउंट करेगा। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना है और जब हम उस फंक्शन को कॉल करें तो वो काउंट करके हमें बता भी दे, ठीक है। तो ऐसा हमें करना है, तो चलिए आइए देखते हैं कि ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो पाइथन की ट्रेडिशनल आईडीएलई को ओपन कर लेंगे यहाँ से। तो ये पाइथन की ट्रेडिशनल आईडीएलई है और यहाँ से हम यूजर डिफाइंड फंक्शन वो बनाएंगे। तो ये पाइथन की शेल है, पहला पेज जो पाइथन का होता है, और यहाँ से जाएंगे न्यू फाइल लेंगे। अब न्यू फाइल हमने ले लिया, अब इसमें करना क्या है, फंक्शन बनाएंगे तो डेफ लिखेंगे ही लिखेंगे। कई बार ये भी क्वेश्चन दिया जाता है कि डेफ की जगह डिफाइन दे देता है, हालांकि इसका मतलब डिफाइन ही होता है लेकिन लिखते डेफ ही है, डिफाइन नहीं लिखते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो हम यहाँ पर काउंट वर्ड नाम से फंक्शन बना रहे हैं, काउंट वर्ड, ठीक है। और यहां पे कर देता हूं स्टार्टिंग कर दिया विथ जेड, यानी जेड से जो भी नाम आएंगे उनसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को ये काउंट करेगा कि कितने वर्ड्स हुए, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करते हैं, यहाँ पे टीईएक्सटी नाम से एक बना लेते हैं, ठीक है, इसी के अंदर वो चीजें स्टोर होंगी। अब यहाँ पे कॉलन लगाया ही जाता है, ये तो पता ही है आपको। अब यहाँ पर एक वर्ड्स नाम से बनाते हैं, वर्ड्स इज इक्वल टू, और इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट ये लिखा हमने और यहाँ पे एक फंक्शन होता है प्री डिफाइंड जिसका नाम है स्प्लिट, उसको मैंने यूज किया है, स्प्लिट फंक्शन को। ये हो गया स्प्लिट, SPLITE, तो ये हो गया स्प्लिट, और ब्रैकेट ओपन किया फिर क्लोज किया, ठीक है। और स्प्लिट की स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ई नहीं होता है लास्ट में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने बना दिया, अब क्या करना है, अब यहाँ पे काउंट को इनिशियलाइज कर देंगे। काउंट में क्या रखा गया है, तो शुरुआती वैल्यू काउंट में जीरो है, और यहाँ लूप लगा देते हैं फॉर वर्ड, हमने क्या लिया है, वर्ड्स लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम एक वर्ड नाम से भी बना लेते हैं, WORD, वर्ड इन वर्ड्स, WORDS। अब ये वर्ड्स जो है जो इसमें आएगा, मतलब जो काउंट करेगा फिर स्प्लिट करेगा, वो वर्ड में जाके स्टोर होता रहेगा, ठीक है। और यहां पर इसको जो है कॉलन लगा करके नीचे आएंगे और यहां कंडीशन देंगे इफ की, लिखेंगे इफ वर्ड WORD डॉट, और यहां पे कर देते हैं स्टार्ट विथ, ठीक है, यहां पे कर दिया स्टार्ट विथ, और यहां पे दे देते हैं कि जेड से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, जेड से स्टार्ट हो, ना सिर्फ स्मॉल जेड से स्टार्ट हो बल्कि हम ये भी चाहते हैं, यहां पे और भी दे देते हैं, हम ये भी चाहते हैं वर्ड WORD, और फिर यहां पे लिख देते हैं डॉट स्टार्ट विथ कर दिया, कैपिटल जेड से भी स्टार्ट हो तो भी ये काउंट कर ले जाए, ठीक है। तो यहां पे सिंगलटेड कॉमा के अंदर कैपिटल जेड भी लिख देते हैं और स्मॉल जेड भी लिख देते हैं, यानी दोनों में से किसी से ये स्टार्ट होगा तो ये इसको काउंट कर लेगा, ठीक है। तो ये करके और अब यहां पे कॉलन लगा देना है, एंटर करके नीचे आना है। जैसे ही नीचे आते हैं तो चूंकि लोअर केस और अपर केस, अब लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर में आएगा उसको भी, और अपर केस जो आएगा उसको भी, दोनों को ये काउंट करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, यानी अपर केस और लोअर केस दोनों को ये काउंट करेगा। और यहां पर हम आते हैं, पहले एक मिनट इंटेंडिंग इसकी देख लेते हैं कहां पर आएगा। तो अब यहीं पर आकर के हमें करना है यहाँ पे इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे लिखा काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, एक एक करके बढ़ता जाए उसमें वैल्यूज स्टोर होती जाए। और यहाँ पे रिटर्न क्या करवा देते हैं, रिटर्न करवा देते हैं काउंट को, COUNT, ठीक है। यहाँ पे हमने एक कीवर्ड यूज किया रिटर्न, ये रिटर्न है RETURN, तो ये रिटर्न एक कीवर्ड है और ये काउंट को रिटर्न कर देगा। और रिटर्न करने के बाद यहाँ पर अब हमें टेक्स्ट देना है, ठीक है, तो जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पे हम दे देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेक्स्ट क्या देंगे, तो यहाँ पर पहले हम इंटेंडिंग सही कर लेते हैं, यहाँ पर आएंगे तो TEXT टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं जेब्रा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कोड लिख दिया गया है। अब इसको एक बार फिर से चलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जाकर के एक बार मॉड्यूल पे क्लिक करके और यहाँ पे जाएंगे और इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, एंटर करके, और एंटर करके इसको जब हम सेव करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। देखिए ये आ गया है और ये काउंट भी करके बता रहा है कि ये कितने वर्ड्स हैं। तो इसके जगह कुछ और भी लिख देते हैं, लाइक जैसे ये, तो ये लिखा है, मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ और इसके जगह कुछ और लिखता हूँ, जैसे लिखता हूँ जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस्ड बाई जेब्रा, ये लिख दिया, तो जेड वाले नाम को ही ये काउंट करेगा।
तो यहां पर अगर मैं इसको दोबारा से सेव करके और यहां से चला देता हूं, ये लीजिए यहां से चला दिया, तो आप देखेंगे कि इस मिनट पहले इसको क्लोज करता हूं, देन यहां से जाके फिर रन करता हूं, तो यहां पर देखिए ये काउंट कर रहा है, बता रहा है कि यहां पे ये दो ही जेड वाले नाम आए हुए हैं इसमें। तो एक बार काउंट करते हैं, चेक करते हैं, देखिए यहां पर एक बार जेड वाला नाम आया हुआ है, फिर यहां पर जेड वाला आया हुआ है। लेकिन अगर ई से स्टार्ट होने वाले हमें वर्ड्स काउंट करने हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए यहां तो जेड है लेकिन ई से स्टार्ट होने वाले करने हैं तो हमको खाली यहां पर चेंज करना है। यहां पर देखिए यहां पे ई कर देते हैं, यहां पर ई कर देते हैं और यहां पर कैपिटल ई कर देते हैं और फिर यहां पर भी ये स्मॉल जेड है तो यहां पे स्मॉल ई कर देते हैं, ठीक है। और यहां पर इसको हटा करके कुछ और लिख देते हैं, लाइक यहां पर लिख देते हैं ओवर ईटिंग इज इंजूरियस फॉर योर हेल्थ health, ठीक है, ये लिख दिया। आप इसको चलाते हैं एक बार, देखते हैं इसमें क्या होता है। यहां पर ई मैंने कर ही दिया है और यहाँ पे टेक्स्ट ई कर देंगे खाली, यहाँ पे क्योंकि ई कर दिया हमने इसलिए यहाँ पर भी ई किया है। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार, बाकी सब कुछ तो ठीक ही है, तो एक बार इसको भी चला लेते हैं और देखते हैं कि इसमें ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ई वाले वर्ड्स, अब देखिए इसमें बता रहा है कि ई से तो जीरो वर्ड्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ई से एक भी वर्ड है इसमें नहीं स्टार्ट है। लेकिन अगर ईटिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ करने, देखिए यहाँ ई से है, ईटिंग is injurious for health, अब इसको चला देते हैं एक बार, तो यहाँ पर देखिए ये काउंट करके बताएगा कि कितना है। तो यहाँ देखिए ये बता रहा है कि एक वर्ड जो है ई से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरीके के जो भी प्रोग्राम दिए जाते हैं आप आसानी के साथ बना सकते हैं। अब यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ, eat, और फिर यहाँ eaten लिख देता हूँ, तो यहाँ पर eaten होगा, तो यहाँ पे eaten कर दिया। अब देखिए अब इसको काउंट करेगा तो ये 3 बताएगा, तो यहाँ पर इसको एक बार चला लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे जाके इसको चला दिया, तो देखिए ये 3 बता रहा है। तो इस तरीके से आपको प्रोग्राम बनाना है। मान लीजिए कि ए के नाम से काउंट करना है तो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ए कर देता हूँ, यहाँ पर भी ए कर दूंगा और कैपिटल स्मॉल दोनों की बात करेंगे तो यहाँ पर भी ए कर ही देता हूँ, तो यहाँ पर भी ए हो गया, ठीक है। अब इसको भी चेंज करना है तो यहाँ पर ये ई हटा करके ए कर देता हूँ, स्मॉल ए, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन का नाम भी चेंज, भाई फंक्शन का जो नाम रहेगा वही तो लिखेंगे, तो ऊपर फंक्शन के नाम में ए है तो आप ए कर दीजिए। और ए करके अब इसको काउंट करिए, देखिए यहाँ पर इसको हटाइए, यहाँ से हटा देते हैं इसको और यहाँ पे लिखते हैं एप्पल इज एन एप्पल ऑफ एप्पल, ठीक है। तो ए से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड है उसको आप देख सकते हैं कितनी बार आया है, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो 4 बार आया है। तो अभी इसको जब हम चलाएंगे तो ये जो फंक्शन है ना, इसको देखिए नीचे कॉल किया गया, यहाँ पे नीचे इसी फंक्शन को इस्तेमाल किया गया, देखिए यहाँ पे कॉल किया गया है, ठीक है। तो इसी फंक्शन के चलने से ये होगा कि ये इसको काउंट करके बताएगा कि ए से कितने वर्ड स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 5 किया, अब देखिए ये बता रहा है 4 वर्ड ऐसे हैं जो ए से स्टार्ट होने वाले हैं, क्या हम 5 कर देंगे तो ये नहीं बताएगा। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन एप्पल कर देते हैं, यानी फिर यहां पर देखिए 2 वर्ड्स बढ़ा दिए मैंने ए वाले, ठीक है। और यहां पर जाकर के इसको फिर चला दिया, तो अब देखिए अब ये कितना बता रहा है, अब ये 6 बता रहा है, तो बिल्कुल 6 है तो 6 बता रहा है। देखिए यहां पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो जितने वर्ड होंगे उतने बताएगा। ये फंक्शन जो है इस तरीके से यूज होगा, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, ओके।